हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपको ये केक यम्मी लग रहा हो, खाने की इच्छा हो रही हो और मुंह में पानी आ रहा हो तो केक की रेसिपी जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का मोल्ड लेंगे। मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैंने उसी शेप का एक पैन लिया है। अब इसके बेस और साइड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बेस में फिर बटर पेपर लगा लेंगे और उसको भी ग्रीस कर लेंगे। मैंने मोल्ड के साइड में भी बटर पेपर लगाया है जिससे केक का शेप प्रॉपर बने और वो इस साइड में भी स्टिक ना हो। केक का बैटर बनाने के पहले आपको मोल्ड को ग्रीस करके रख लेना चाहिए क्योंकि बैटर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है और यदि आप उसको काफ़ी देर तक यूज़ ना करें तो उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। और इसके साथ साथ आप ओवन को भी चालू कर दीजिए 10 मिनट के लिए, जिससे आपका बैटर प्रिपेयर करते करते ओवन भी प्रीहीट हो जाएगा। और यदि आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर को भी चालू कर दीजिए जिससे वो भी प्रीहीट हो जाएगा। केक का बेस बनाने के लिए हमको चाहिए चुटकी भर नमक, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 1/3 कप मीन्स 60 ग्राम्स, दही 80 ग्राम, पाउडर शुगर 120 ग्राम, मैदा 160 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम एंड मिल्क 100 ml। इसके बाद हम एक बॉल लेंगे और उसमें ऑयल, दही और पाउडर शुगर को डाल देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास विस्कर नहीं है। यदि आपके पास विस्कर हो तो आप विस्कर से इन सभी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें एक छन्नी लेना है और उसको बाउल के ऊपर रखना है और उसमें आटा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट को छानकर मिक्सचर में ऐड कर लेना है। और आप ज़रूर से छन्नी का इस्तेमाल करें क्योंकि सभी चीज़ों को छान के डालने से आपके फ्लोर में एयर ऐड हो जाएगी और सारे लम्स भी रिमूव हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक टू मेक केक स्पॉन्जी। इसके बाद हम सभी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। एंड डोंट ओवर मिक्स इट। और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क को भी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करना है। यदि आप इकट्ठा ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए ये हमारा बेस का बैटर बन गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए। बैटर बनने के तुरंत बाद हम इसको तुरंत मोल्ड में डाल देंगे और मोल्ड को 3 से 4 बार टैप कर लेंगे जिससे बैटर एक सा हो जाए और इसमें कोई बबल्स ना रहे। अब हम इसको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30-40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक का बेस रेडी हो रहा है तब तक हम चलिए केक का गनाश तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमको चाहिए 2 टेबल स्पून कोको पाउडर एंड 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 1 कप मिल्क लेंगे जिसको हम धीरे धीरे इस मिक्सचर में ऐड करेंगे जिससे लम्स ना पड़े। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर देंगे
और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मिक्सचर को गैस में रख देंगे बॉईल होने के लिए, और हमको बॉईल करते समय इसको कंटिन्यूअस चलाते रहना है जिससे यह एक सा बना रहे। और इसको मैं तब तक बॉईल करूंगी जब तक इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए। मुझे पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं उसको तब तक के लिए बॉईल करूंगी। यदि आपको थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर और बॉईल कर सकते हैं। आप अभी जैसा देख सकते हैं मैंने अपनी गैस बंद कर दी है और मेरी गनाश की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। आप इसको थोड़ा थिक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब हम ओवन की तरफ देखते हैं, और ओवन में हमारा केक का बेस ऑलमोस्ट रेडी है। 30-35 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और केक प्रॉपर बेक हुआ है या नहीं ये जानने के लिए आप एक टूथपिक लीजिए और उसको बेस के अंदर डाल के देखिए। यदि टूथपिक क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब है केक प्रॉपर बेक हो चुका है। जब आपका केक थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसके मोल्ड को उल्टा कर दीजिए और केक को बाहर निकाल लीजिए। और ये देखिए हमारे केक का बेस बिल्कुल एक सा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। और अब हम गैनाश को केक में डाल देंगे। और मैंने केक को जाली वाले रैक के ऊपर रखा था और उसके नीचे प्लेट रखी हुई थी जिससे एक्स्ट्रा गनाश जो भी होगा वो प्लेट में गिरेगा। और ये देखिए गनाश केक में बिल्कुल एक सा सेट हुआ है। क्योंकि मैं डबल लेयर केक बना रही हूँ तो मैंने सेम प्रोसीजर से एक और बेस थोड़ा लार्ज साइज का बनाया हुआ है। और इसके लिए मैंने गनाश थोड़ा थिक रेडी किया है जिससे उसके ऊपर मैं दूसरे बेस की एक और लेयर रख सकूं। क्योंकि इसका गनाश थोड़ा थिक है तो इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए मैं इसको एक नाइफ से इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ जिससे ये एक सा हो जाएगा। और ये देखिए मेरे केक का लोअर लेयर का बेस भी रेडी है। इसके बाद अब मैं दोनों लेयर को एक के ऊपर एक सेट कर दूंगी जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब चलिए हम केक की फ्रॉस्टिंग कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं इसको जिससे इसको एक अच्छा सा लुक मिल जाए। क्योंकि मेरे पास रोटेटिंग केक स्टैंड नहीं है तो मैंने इसे तवे के ऊपर प्लेस किया हुआ है जिससे मुझे डेकोरेट करने में आसानी होगी। और तवा यूज़ करने से इसको रोटेट करने में मुझे आसानी होगी और मैं इसे ईजिली डेकोरेट कर पाऊँगी। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट को थोड़ा सा क्रश कर लिया है और उसको डेकोरेट कर देती हूँ सेंटर में डाल के। सो इट विल लुक सो गुड एंड नाइस। और ये देखिए मेरा केक बनके रेडी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी था। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।